कि बीइंग अ डेटा एनालिस्ट आपको सैलरी क्या एक्सपेक्ट करनी चाहिए, क्या इनिशियली मिलती है, क्या आगे जाके आपकी ग्रो होती है, थोड़ा लाइट उसके पार्ट ऊपर हो. भी आपकी सो बीइंग अ डेटा एनालिस्ट क्या क्या स्किल सेट्स है जो एक इंपॉर्टेंट या फिर मस्ट बोलोगे जो एक डेटा एनालिस्ट में अगर होने ही डेटा चाहिए? एनालिस्ट के लिए अप्लाई करना है तो जनरली कौन सी कंपनीज डेटा एनालिस्ट के लिए ज्यादा हायरिंग करती है कुछ? सो हेलो फ्रेंड्स, अ बिग वेलकम टू शुभम सिंह, दैट इज मिस्टर सीकर. आप यहाँ पे गेस्ट देख रहे हो, हमने हमारे चैनल पे गेस्ट बुलाया है. फर्स्ट थिंग जो मैं शुभम के बारे में आपको बताऊंगा, दैट इज ही इज फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, ठीक है, एंड वो करंटली काम कर रहे हैं एज अ डेटा एनालिस्ट इन IT, ठीक है. सो इट इज अ बिग इंस्पायरिंग स्टोरी फॉर ऑल दी नॉन टेक बैकग्राउंड कैंडिडेट, स्पेशली जो मुझे जनरली क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि मैंने सिविल किया है, सेल्स किया है, तो मुझे टेक्निकल बैकग्राउंड में जाना है. सो दिस विल बी अ परफेक्ट एग्जाम्पल. सो शुभम, अ बिग वेलकम टू यू ऑन बी ए प्रोफेशनल चैनल. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा बहुत आपके बारे में बताइए हमें. सो गाइज, मेरा नाम शुभम सिंह है एंड मैंने अपनी जो एजुकेशन है वो इंजीनियरिंग यानी मैकेनिकल बैकग्राउंड से कंप्लीट की थी. एंड लाइक एज ऑफ लाइक 80% ऑफ स्टूडेंट या 60% बोल लो, जिनको क्लियर नहीं होता अपने लाइफ में कि क्या करना है, मैं भी उन्हीं में से हूँ. एंड उसके बाद मुझे पता नहीं था क्या करना है, सो आई स्टार्टेड माई जर्नी. तो जब मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की, सो इट वॉज लाइक आई एम फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड. तो मैं जॉब के लिए गया तो मुझसे किसी ने पूछा कि आपको जॉब किस में चाहिए. लाइक आशुतोष बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं लाइक इन IT, राइट? तो उसने पूछा कि आपको प्रोडक्शन में चाहिए, क्वालिटी में चाहिए, डिजाइन में चाहिए और व्हाट सो और लाइक किस में. तो आई वॉज थिंकिंग ओके, दिस मच डिपार्टमेंट्स आर देयर. फिर इतना सोचने के बाद आई हैव प्लान कि मैं डिजाइन में करूंगा क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी पसंद थी. तो जो मैकेनिकल या उस फील्ड से हो, सो दे विल बी अवेयर अबाउट अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड PDMS. तो प्लांट डिजाइन के लिए यूज होता है. आई स्टार्टेड माई कैरियर ऑन लाइक उसके बेसिस में मैंने स्टार्ट किया, कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया, लेकिन इट्स बीन 6 or 7 months आशुतोष कि मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी. एंड द इनिशियल जॉब आई गॉट, उन्होंने बोला कि आपको 2 months की ट्रेनिंग रहेगी और फिर सैलरी इस चीज़ों पर डिस्कशन होगी. बट विद इन 1 month मैं पूरा फेड आउट हो गया, वो इंस्पिरेशन अंदर से चला गया. एंड टू बी ट्रू, एज मैकेनिकल वॉज नॉट माई चॉइस कि वो गो विद द फ्लो वाला सीन चल रहा था. एंड डिजाइन वाला भी, क्योंकि वो पहला वाला फ्लो चल चुका था, दूसरा वाला फ्लो भी चलना ही था, सो दैट वाज आल्सो गो विद द फ्लो. उसको पूरा करने के लिए ये किया गया. एंड अगेन उसके बाद फाइनली मैंने डिसाइड किया कि नहीं, लेट्स टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेक आवर डिसीजंस. फिर मैंने सीखी कुछ चीजें एंड मैंने खुद का स्टार्टअप किया. एंड ऐसा करते करते आई केम टू अ पॉइंट दैट आई बिकम अ डेटा एनालिस्ट. एंड मैं जिस सॉफ्टवेयर पे काम करता हूँ वो है SAS. एंड डेटा एनालिसिस और जितने भी पोजीशंस होते हैं IT में गए, वो बहुत बड़े होते हैं. मैं एक डोमेन पे काम कर रहा हूँ, लाइक दैट इज लाइक अ स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, जो कि क्लिनिकल इंडस्ट्री में होते हैं. क्लिनिकल रिसर्च फर्म्स लाइक फाइजर, जिनके आपने वैक्सीन भी ली होगी, नोवार्टिस, GSK, जिनके आपने कभी ना कभी ड्रग यूज किए होंगे. सो मैं जो डेटा एनालिसिस करता हूँ, दैट विल बी ऑफ पेशेंट डेटा. ओके, डेटा अलग अलग होते हैं और इंडस्ट्री अलग अलग होती है. सो आई एम वर्किंग इन अ क्लिनिकल रिसर्च फर्म एज एन डेटा एनालिस्ट. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. इट्स एक्चुअली अ इंस्पायरिंग स्टोरी शुभम, कमिंग फ्रॉम यू नो पूरा ही डिफरेंट एंड नाउ वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट, दैट्स रियली ग्रेट. बट अभी आप यू नो टेक्निकल बैकग्राउंड में से नहीं थे और आपने एज अ डेटा एनालिस्ट स्टार्ट करा, सो क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस करे इनिशियली? क्योंकि यहाँ पे अभी पूरा टेक्निकल हो गया है, राइट? थोड़ा प्रोग्रामिंग वगैरह कम्स इन टू पिक्चर, राइट? सो कुछ चैलेंजेस आपने फेस करे होंगे आपके करियर में इन इनिशियल स्टेज फ्रॉम ट्रांसफॉर्मिंग यू नो टू डेटा एनालिस्ट? सो सी, तो ये चैलेंजेस मैंने फेस करना तब स्टार्ट किया जब मैंने शुरुआत की. सो द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू स्टार्ट समथिंग न्यू टू फेस सम न्यू चैलेंजेस. अगर आप स्टार्ट ही नहीं करते तो आपको चैलेंजेस भी नहीं आएंगे. तो जब मैंने स्टार्ट किया तो पहला चैलेंज ये था कि इनिशियल डेज में इतना अवेयरनेस नहीं था, इतनी चीजें नहीं थी. तो मुझे जस्ट पता चला, मैंने स्टार्ट कर दिया. ओके, लाइक आई विल बी इंटरेस्टेड इन दिस, आई गॉट टू नो मैं मेरा कैरियर इसमें बनाऊंगा. एंड डेटा वॉज इन बूम, डेटा बूम पे भी था और मुझे पता नहीं था कि मैं इसमें कैरियर बनाऊंगा. बट धीरे धीरे ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिली कि मैं उस तरफ करता गया. एंड इनिशियल चैलेंजेस ये थी कि आप सीखते जा से हो ना, लाइक आई हैव टेकन अ ट्रेनिंग, यू हैव टू मेक श्योर वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बड़ी नहीं होनी चाहिए, बट जो ट्रेनर है उनका नॉलेज अच्छा होना चाहिए. ओके, तो मुझे उतना अच्छा गाइडेंस नहीं मिला, तो इनिशियली मुझे थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस हुआ. नो डाउट इनिशियली आप फ्रेशर होते हैं ना, तो आपको जितना मिलता है कम ही लगता है, बिकॉज आप सोचते हो कि मुझे कहीं से सब कुछ मिले एंड वो कभी नहीं मिलता. सो दैट वॉज द डिफिकल्टी कि मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे नॉलेज नहीं मिला और गाइडेंस नहीं मिला. तो जो प्रोग्रामिंग होती है वो एक्चुअल में गाइज बहुत ईजी होती है और बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है. सो आशुतोष, वन कॉमन थिंग, वाई वी टेल द प्रोग्रामिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करने का एक लैंग्वेज है. ओके, आप पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से कैसे कम्युनिकेट करोगे? अर्लियर वॉज मशीन, तो आप मशीन को हाथों से ऑपरेट करते थे, बट सॉफ्टवेयर इज लाइक यू नीड टू टॉक विद देम, यू कैन नॉट
ऑपरेट, लाइक आप ऐसे हाथों से उससे बात नहीं कर सकते, आप टाइप करके कर सकते हो. तो उनकी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए. जैसे अलग अलग कंट्री की लैंग्वेज है, राइट? सो अलग अलग सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज है, और वो लैंग्वेजेस बहुत ही ईजी है. और कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने सीख ली, तो रेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 30-40% आपके लिए ईजिली हो जाएंगे, क्योंकि जो लॉजिक होते हैं ना प्रोग्रामिंग के, वो हमेशा सेम होते हैं. दैट्स अ थिंग. राइट. सो इनिशियल चैलेंजेस वॉज लाइक कि अच्छे से ट्रेनिंग नहीं मिली, उसकी वजह से मैंने थोड़ा सा सफर किया, एंड धीरे 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 धीरे, बट विद टाइम इट गॉट इम्प्रूव्ड. That's great. And being a data analyst, like आपकी core responsibilities क्या होती है जो आप आपके day to day life में करते हो, क्या आपका काम होता है, वो थोड़ा सा आप in depth बता पाओगे? So, जो मेरी core responsibilities रहती है guys, उसमें जो सबसे ज्यादा काम होता है वो होता है कि डेटा को क्लीन करना. ओके, सी डेटा होता है, जो पूरी डेटा इंडस्ट्री है वो इस फॉर्मेट पे काम करती है कि आपके पास जो डेटा है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है. ओके, एंड डेटा इंडस्ट्री की डिमांड ही इसलिए बड़ी क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन हो गई. सो पहले एक्सेल में या तो पेपर फॉर्म में होती थी, ऑनलाइन होने के बाद दे हैव द डेटाबेस, डेटा सेंटर्स. ओके, वहां पे डेटा कलेक्ट हो रहा है, बट दैट इज अ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. उस डेटा को स्ट्रक्चर करने के लिए, क्लीन करने के लिए और कुछ मीनिंगफुल आउटकम निकालने के लिए डेटा एनालिस्ट चाहिए होते हैं. अब उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं आशुतोष. देयर विल बी अ डेटा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, दे विल मेक श्योर जो डेटा कलेक्ट हो रहा है वो प्रॉपरली कलेक्ट हो रहा है, एंड दे विल जो फॉरवर्ड द डेटा टू द डेटा एनालिस्ट डिपार्टमेंट, जो कि डेटा एनालिसिस करेंगे. और डेटा एनालिसिस क्या करेगी, उस डेटा को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी, स्ट्रक्चर करेगी, फिर एनालिसिस करेगी, फिर उसमें से कुछ मीनिंगफुल आउटकम जो भी वो कंपनी चाहती हो वो आउटकम निकालेगी, एंड देन द रिपोर्ट्स विल बी सबमिटेड टू द क्लाइंट और द अथॉरिटी. सो ये रोल्स होते हैं. सो शुभम, जैसे कि आपने बोला आप डेटा एनालिसिस टीम के पार्ट हो, सो बीइंग अ डेटा एनालिस्ट क्या क्या स्किल सेट्स है जो एक इम्पोर्टेंट या फिर मस्ट बोलोगे जो एक डेटा एनालिस्ट में होने ही चाहिए? ओके, सो एक डेटा एनालिस्ट के लिए आपको पहली चीज की डेटा एनालिसिस करना है तो आप कर सकते हो सॉफ्टवेयर पे ही. तो सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, तो तीन सॉफ्टवेयर है, आर, पाइथन एंड सैस, जो डेटा एनालिसिस में यूज होते हैं या डेटा साइंसेस में, डेटा साइंस में ग्लोबली यूज होते हैं. तीन ही सॉफ्टवेयर है मैक्सिमम यूज होते हैं. इसमें से सैस एक कंपनी है, एंड सैस इज द फर्स्ट कंपनी विच केम इनटू द डेटा एनालिसिस, देन आर एंड पाइथन. एंड आर एंड पाइथन ओपन सोर्स है, एंड सैस एक एंटिटी है, कंपनी है. बट सैस उसके साथ क्या प्रोवाइड करती है, डेटा सिक्योरिटी भी, एंड डेटा प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी एंड कस्टमर सपोर्ट. वेर इल्स आर एंड पाइथन में लाइक थोड़ा सा मुश्किल होता है कि अगर डेटा ब्रीच हुआ, यू के नॉट लाइक टेल समवन कि आपने किया, आपको इसका ख्याल रखना चाहिए था, बिकॉज दैट इज नॉट एन एंटिटी, दैट इज एन ओपन सोर्स. सो मैं जिस टूल पे काम करता हूँ वो है सैस. ओके, एंड सैस को रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने एक गोल्ड पार्टनर या ऐसा कुछ अवार्ड दिया है. दैट डजंट मैटर गाइस कि कौन सी कंपनी कितनी बड़ी है, बट ये मैटर करता है कि आपने उस पर्टिकुलर टूल पे, जैसे जो भी टूल है, जैसे हर चीज के लिए 3-4 आपको मार्केट में टूल मिल जाएंगे या सॉफ्टवेयर, तो उस सॉफ्टवेयर पे आपकी कितनी ग्रिप है. ओके, तो मैं जो टूल पे काम करता हूँ सॉफ्टवेयर पे वो है सैस. एंड सैस अपने आप में बहुत बड़ा टूल है. जैसे कि आशुतोष आपको पता होगा कि पाइथन है, तो पाइथन पे विजुअलाइजेशन के लिए टैबली यूज करते हैं और कभी कभार पावर बीआई भी यूज करते हैं, बट सैस का खुद का है वाया, सैस वाया, उसमें आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो. सैस का खुद का है डीआई, डेटा इंटीग्रेशन, उनका खुद का एएमएल है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग. एंड ये टूल काफी जगह यूज होता है, जैसे कि मैं कुछ बड़ी फर्म्स बता दूं तो जितनी भी ये ऑडिट फर्म्स है, टॉप 5, KPMG, डिलॉयट, एंड बैंकिंग भी, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन स्नैच, क्लिनिकल रिसर्च फर्म में ये सबसे बेस्ट बात है कि ये लीडर है. ओके, इसके साथ एक किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ डोमेन नहीं जोड़ता है, सॉफ्टवेयर के साथ सैस क्लिनिकल डोमेन जोड़ता है. द रीजन इज इट्स अ लीडर देयर. हर सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं मार्केट शेयर करते हैं, बट क्लिनिकल में 95% मार्केट एंजॉय करता है सैस. एंड कंपनीज को अच्छा लाइक अच्छा खासा आउटकम मिल रहा है, तो वो जल्दी इतना दूसरे सॉफ्टवेयर पे मूव नहीं हो रही, काफी जगह यूज होता है. तो डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर ऐसे हो गए जैसे कि एक्सेल हर कंपनी यूज करती है, वैसे डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर हर कंपनी यूज करती है. दिस इज नॉट लिमिटेड टू, बट क्लिनिकल में 95% मार्केट इसने अभी तक कैप्चर किया हुआ है. सो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्लिनिकल में आपको मिलेंगी, फिर बैंकिंग, इंश्योरेंस, ऑडिट फर्म्स एंड मेनी अदर कंसल्टिंग फर्म्स, हर जगह. ओके, एंड अदर देन यू नो यू टोल्ड अबाउट एक्सेल एंड ये जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, अदर देन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और भी कोई स्किल्स आपको रिक्वायर्ड है बीइंग अ डेटा एनालिस्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यू विल से? सो डेटा एनालिसिस में भी जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि मैं क्लिनिकल डोमेन में हूँ, बट बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, ठीक है, तो डिपेंड करता है आप किस डोमेन में हो. ओके, बट एक्सेल तो कॉमन हो गया, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो माइक्रोसॉफ्ट के जो कॉमन सॉफ्टवेयर्स हैं ये कॉमन हो गए, बट उनमें आपको उस लेवल का नॉलेज नहीं चाहिए. एक्सेल आपको बेसिक लेवल का आता होगा तो भी चलेगा. जैसे मेरी मैं बात करूँ, मेरे इंटरव्यू में एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब चीज़ें पूछी नहीं गई, सैस ही पूछी गई, क्योंकि उनको क्लियर था कि मुझे काम उस पर करना है, उनको काम मुझसे इस टूल पर कराना है.
so they clearly ask me the questions from that tool and so depend karta hai domain to domain but make sure karna hai aapko data analysis mein maan ke chalo excel and ek data analysis tool jaise ki maine bataya sas r ya python inme se teenon mein se ek aur fir ye powerpoint aur jitne bhi microsoft ke jo common tool hai word powerpoint ye aapko aane chahiye but main tool hoga jo analysis tool hai ओके वो प्राइमरी टूल होगा और फिर नॉन प्राइमरी में ये किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट के वो टूल कॉमन होते हैं राइट 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 सो दैट्स ग्रेट एंड अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल कोई फ्रेशर है कोई कैंडिडेट है जिसको आफ्टर ग्रेजुएशन डेटा एनालिस्ट बनना है तो वो कैसे बनना स्टार्ट कर सकते हैं या फिर कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं टू गेट स्टार्टेड एज अ डेटा एनालिस्ट उसके ऊपर आप थोड़ा सा इनसाइट्स दे सकते हो सो डेटा एनालिसिस के लिए गाइज काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो जैसा अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया आशुतोष के कि तीन टूल हैं सैस आर एंड पाइथन तो पहली चीज़ इनमें से कोई भी अच्छे से सीख लो ओके एंड पाइथन में पाइथन बहुत ही अच्छा टूल है बहुत ही अच्छा टूल है बट उसके साथ दिक्कत क्या है यू नो कि 90% ऑफ पॉपुलेशन इंडिया में मैं देख रहा हूँ वो पाइथन सीखना चाहती है ओके एंड गाइज पाइथन में जॉब है बट इतनी पॉपुलेशन एक आप जानते हो सप्लाई और डिमांड आप सभी ने कभी ना कभी पढ़ा होगा तो कंपनीज क्या करेंगी उसको एक कैंडिडेट हायर करना होगा उसके पास ऑप्शन होगा 1000 या 100 इंडिया में ऑलरेडी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है तो आपको काफी अच्छे लेवल से प्रिपेयर करना पड़ेगा ओके वेयर एल्स आर एंड सैस में उतना कंपटीशन नहीं है बिकॉज पीपल आर नॉट दैट मच अवेयर ओके सो उसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे उनका आपकी प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू पाइथन मैं ऐसा यहाँ नहीं बोलूंगा कि कौन सा टूल अच्छा है कौन सा बुरा है इट्स टोटली योर चॉइस आप अपनी रिसर्च करो बट इन तीनों में से कोई भी करके आप इजिली डेटा एनालिसिस इंडस्ट्री में जा सकते हो सो शुभम अभी आपको इंडस्ट्री में थोड़ा टाइम हो चुका है बीइंग अ डेटा एनालिस्ट आप काम कर रहे हो तो आपको क्या लगता है ये पर्टिकुलर रोल का दैट इज डेटा एनालिस्ट का जो करियर प्रोस्पेक्ट है या फिर करियर ग्रोथ के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है क्या ये जो रोल है वो ऐसे ही बूमिंग रहेगा या फिर थोड़ा बहुत आपके व्यूज इसके ऊपर सो गाइस लॉजिकली सोचो अभी सारी चीजें धीरे धीरे ऑनलाइन हो रही है ओके सारी चीजें यानी सारी चीजें एंड वी आर लविंग दैट जितनी भी चीजें ऑफलाइन हो रही थी पहले अब वो ऑनलाइन हो रही है एंड वी आर लविंग दैट वी आर एंजॉयिंग दैट या आप ये वीडियो देख लो ये भी एक तरह का डेटा है बट ये वीडियो फॉर्मेट में डेटा है ओके सो सिमिलरली कंपनीज के पास बहुत सारा टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा कलेक्ट हो रहा है यूट्यूब के पास वीडियो फॉर्मेट में सो जिस टेक्स्ट फॉर्मेट में जो सबसे ज्यादा डेटा कलेक्ट हो रहा है ना कंपनीज को चाहिए कि कोई इन डेटा को ऑर्गेनाइज करे ओके स्ट्रक्चर करे क्लीन करे उसके बाद मीनिंगफुल आउटकम निकाले जैसे कि स्विगी जोमेटो हो गया तो वो जानना चाहते इस महीने उनकी सबसे ज्यादा सेल्स कैसे हुई लाइक किस प्रोडक्ट में हुई या कौन से लोकेशन से हुई कौन सा मैक्सिमम परचेस था बहुत सारे पैटर्न प्रेडिक्ट करना चाहते हैं मंथली वीकली क्वार्टरली या ईयरली तो ये सारी चीजें आप डेटा से प्रेडिक्ट कर सकते हो या एक आउटकम निकाल सकते हो कि पहले के मुकाबले अब क्या था एंड बोलते हैं ना हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ तो अब क्या है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ से पहले आपको जाके बहुत चीजें समझनी पड़ती थी बट आपके पास अब डेटा है पिछले 100 साल का तो नहीं होगा बट पिछले 10 साल का डेटा हमारे पास काफी तगड़े फॉर्म में पड़ा है हर इंडस्ट्री का चाहे वो वीडियो फॉर्म में हो गया ऑडियो फॉर्म में हो गया या हर चीज में ओके सो उन डेटा को कंपनी यूटिलाइज करना चाहती है कुछ आउटकम निकालना चाहती है एंड ये डेटा वाला जो बूम है ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला बट अगेन मैं किसी चीज को बूम नहीं मानता मैं मानता हूँ कि इंडस्ट्री की एक नीड होती है वो ओके एंड ये नीड खत्म नहीं होने वाली एंड आपके मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि क्या ये चीजें ऑटोमेट हो सकती हैं सो गाइस मेक श्योर कि ऑटोमेट करने के लिए भी ह्यूमन चाहिए ऑटोमेट करने के लिए मैक्रोस एंड काफी चीजें क्रिएट करती है करनी होती है और वो आप ही करते हो ओके सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी ऑटोमेटेड वेब डिजाइन का भी आज तो काफी टाइम से बोला जा रहा है कि ऑटोमेट हो जाएगा वर्डप्रेस इज देयर बट स्टिल जो अमेजॉन फ्लिपकार्ट वेबसाइट है वो आप विदाउट कोडिंग नहीं कर सकते ओके वर्डप्रेस पे नहीं चला सकते सो दैट इज ऑटोमेशन इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट एंड सेकेंड थिंग डेटा एनालिसिस का डिमांड बढ़ने ही वाला है हर चीज डेटा पे ही हो रही है ऑल्दो आशुतोष इज वर्किंग लाइक एज एन बीए सो वो भी कहीं ना कहीं डेटा उनके जो टीम में प्रोग्रामर्स होंगे वो डेटा पे ही खेलते होंगे दे विल बी गेटिंग द आउटकम थ्रू डेटा ओनली एंड रेस्ट ऑल इज द डिजाइनिंग एंड द फ्रंट एंड डेटा तो अभी से बूम में एंड जैसे बोला कि हम लोग ने रिक्वायरमेंट गैदरिंग किया बीइंग अ बीए उसके बाद में जो प्रॉपर यू नो कोडिंग वगैरह का पार्ट रहता है उसमें डेटा एनालिस्ट टीम रहती है जो कि काफी इन्वॉल्व रहती है इन दी डेटा ड्रिवन डिसीजंस एंड ऑल दैट थिंग्स सो या सो गाइज जैसे कि शुभम ने आपको बोला डेटा एनालिस्ट का स्कोप यहाँ से बढ़ने ही वाला है बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग डिजिटल एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन सो यस दिस इज अ गुड करियर
यू कैन चूज फॉर योर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू. सो शुभम, अब थोड़ा बहुत हमें सैलरी के बारे में बताते, क्योंकि दिस इज लाइक द ट्रेंडिंग क्वेश्चन, या फिर सबसे ज्यादा लोग यही जानना पसंद करेंगे कि बीइंग अ डेटा एनालिस्ट आपको सैलरी क्या एक्सपेक्ट करनी चाहिए, क्या इनिशियली मिलती है, क्या आगे जाके आपकी ग्रो होती है. थोड़ा लाइट उसके ऊपर भी आप दीजिए प्लीज. सो सैलरी की बात करें दोस्तों, तो सैलरी इज टू बी ट्रू आईटी में जितने भी डोमेन्स हैं, स्पेसिफिकली डेटा की भी बात कर लें तो यहाँ पे सैलरी की कोई अपर लिमिट नहीं है एज एन फ्रेशर भी. ओके, अपर कैप नहीं है, बट ऑन एन एवरेज फॉर डेटा एनालिसिस और मैं बात करूँ क्लिनिकल डोमेन में, तो ये जाती है 3 to 6. ओके, एंड बट ये फ्रेशर के बारे में बात कर रहे हो, राइट? हाँ, एज अ फ्रेशर 3 to 6. एंड जो लोग मेरे चैनल को देखते हैं उन्हें पता भी होगा कि मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ, तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स को 8 point something उनको लगा है. बट अगेन वो दैट इज लाइक डिपेंड अपॉन कंपनी टू कंपनी, वो कंपनीज बड़ी है. ओके, सो ऑन एन एवरेज 3 to 6, एंड अपर लिमिट यू कैनॉट लाइक उसको आप वो नहीं कर सकते, बट अगेन वट आई नो दैट इज 8 to 10. ओके, सो गाइज, जैसे कि शुभम ने बोला, शुभम हिमसेल्फ इज अ डेटा एनालिस्ट गाइड, ठीक है? सो अगर आपको डेटा एनालिसिस के रिलेटेड या फिर डेटा एनालिस्ट जॉब रोल के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ भी गाइडेंस चाहिए, तो जस्ट चेकआउट इस चैनल. उनका जो लिंक है वो आपको टाइटल में मिल जाएगा, मिस्टर सीकर उनके चैनल का नाम है. सो आई हाईली रिकमेंड यू गाइज टू गो एंड चेक इट आउट, ठीक है? सो शुभम, नेक्स्ट थिंग इज कि अभी जैसे कि बहुत सारे लोगों को डेटा एनालिस्ट बनना है, ठीक है? सो उनको एक फाइनल मैसेज क्या दोगे आप विद रिस्पेक्ट टू करियर प्रोस्पेक्टर एवरीथिंग, जो यू एज एन एक्सपीरियंस डेटा एनालिस्ट एक फ्रेशर डेटा एनालिस्ट को बताओगे? सो गाइस, जिसको भी डेटा एनालिसिस लाइक इस इंडस्ट्री में जाना है, तो पहला सजेशन तो मैं ये दूंगा, आईटी डोमेन बहुत ही बड़ा डोमेन है. फिगर आउट करो पहले कि आपको इनमें से कौन सी चीज में जाना है, एंड अगर उसमें आपको लगता है कि डेटा एनालिसिस मुझे ये डोमेन में जाना है, तो उस डोमेन के लिए जैसा मैंने पहले ही बताया था, 3 सॉफ्टवेयर्स वाइडली यूज होते हैं, पाइथन, आर एंड सैस. सो इनमें से कोई भी अच्छे से सीखो. एंड लाइक व्हाट माय सजेशन इज गाइस, नो मैटर आप खुद से कर रहे हो किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, तो देखो दो चीजें होती है. अगर अच्छा आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मिल जाता है, खुद से भी करते हो तो हो जाता है, बट उसमें क्या होता है, आप खुद ही खट्टे में गिरते हो, फिर खड़े होते हो, फिर गिरते हो, फिर खड़े होते हो, एंड यू फिगर आउट कि क्या सही है क्या नहीं, और आप फाइनली मजबूत हो जाते हो. अगर कोई अच्छा ट्रेनर होता है तो ही मेक श्योर दैट आप गिरो ना बार बार, एंड ऑलरेडी ये गिरने के एक्सपीरियंस आपको शेयर कर देते हैं, एंड दे मेक श्योर दैट यू गेट अ गुड ट्रेनिंग एटलीस्ट टू क्रैक द इंटरव्यू एज अ फ्रेशर लेवल. सो ये चीजें होती है. बट अगर आपने कहीं से लाइक बहुत लोग ऐसे होंगे तो अच्छा इंस्टीट्यूट कैसे ढूंढूं, सो वो हमारे हाथ में नहीं होता, आपको नहीं पता चलेगा. टू बी ट्रू, बहुत इंस्टीट्यूट डेमो देते हैं, बट डेमो कौन खराब देता है आशुतोष? सही बात है. सो आप अगेन यू कैनॉट जज, बट वॉट माई लाइक सजेशन और द कंक्लूजन इज, नो मैटर अच्छा मिलता है या बुरा, आपने अगर अच्छे से मेहनत की है, सो मैंने पहले वाला फैक्टर बताया था, अगेन यू विल फॉल इन स्टैंड, यू विल नेवर फेल. और ऐसा मत करना कि बीच में कोई मिल गया कि टेस्टिंग में इजीली हो जाता है, टेस्टिंग कर लेते हैं नॉन टेक्निकल को, ये कर लेते हैं, बीए कर लेते हैं, उसमें कोडिंग नहीं है. तो ऐसा मत करना, एक बार आपने स्टार्ट किया, रीच टू द एंड, उसको फिनिश करो. ओके, एंड मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मैं भी काफी स्टूडेंट्स को ट्रेन करता हूँ अभी आज के टाइम पे, तो मेरे काफी स्टूडेंट्स अलग अलग कंपनीज में है, बिग भी, स्मॉल भी, हर जगह. सो अभी तो मुझे आइडिया है, मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है, 6 to 8 months मेरी जो ट्रेनिंग रहती है 3 months की रहती है. तो मैं स्टूडेंट्स को क्या बोलता हूँ, 3 months में आप टेक्निकली 100% नहीं होते, आप होते हो 60 to 70%. इट डजंट मैटर ट्रेनर अच्छा है बुरा है, वट एवर, बुरा है तो फिर थोड़ी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि खुद आपको और ज्यादा काम करना पड़ता है. तो आप 60 to 70% नॉलेज गेदर करते हो, उसके बाद क्या होता है कि आपने ट्रेनिंग खत्म कर ली 3 months में, लेकिन उसके बाद शुरू होता है अप्लाइंग पार्ट. अब अप्लाइंग पार्ट में कुछ मैजिक तो होने वाला नहीं, जैसे आपने डे जीरो से लाइक 3 months में आपने 60% टेक्निकल नॉलेज गैदर की, यानी सॉफ्टवेयर की, वैसे ही अप्लाइंग भी एक जर्नी होती है, उसको भी मान के चलो 2 to 3 months लग सकता है. बट ये केसेस में अलग हो सकता है, किसी को 4 months में पूरी जर्नी कंप्लीट हो जाए, बट मान के चलो ऑन एन एवरेज 2 to 3 months, बिकॉज मार्केट में एक साइकिल होता है हायरिंग एंड हॉल्ट, नॉट एवरी टाइम द हायरिंग इज गोइंग टू हैपन. ओके, एंड हो भी रहा होगा तो शायद ऐसा हो रहा होगा कि ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारी हायरिंग कर ली हो, नाउ दे आर प्योरली लुकिंग फॉर अ गुड टैलेंट जो कि बहुत स्ट्रांग हो. एंड हायरिंग का मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ, हायरिंग इज नॉट ओनली द टैलेंट, कंपनीज मेक श्योर करती हैं, अगर 10 की टीम है, 3 people आर वेरी गुड एट कम्युनिकेशन, 3 people आर वेरी गुड एट टेक्निकल, 3 people आर वेरी गुड एट समथिंग. ओके, ऐसे करके वो टीम रेडी करते हैं. मैनेजर डोंट हायर अ पर्सन, दे हायर अ टीम. तो ऐसा साइकिल चलता रहता है, तो उस साइकिल में समझो कि लाइक नाउ दे आर लुकिंग फॉर टैलेंट.
ओके आप उस वक्त अप्लाई कर रहे हो, उस वक्त उतनी हायरिंग नहीं चल रही, तो वो टैलेंट देख रहे होंगे, सो यू विल बी नॉट एबल टू क्रैक द इंटरव्यू, बट इट डजंट मीन कि आप एलिजिबल नहीं हो, आप उसके लायक नहीं हो. तो आपको क्या करना है कि उस जर्नी में, अगेन मैंने जो 3 months टाइम बोला, 3 months ट्रेनिंग के, फिर 3 months अप्लाइंग के, उस 3 months में ऐसा हो सकता है 1-2 months हायरिंग उतनी ना चल रही हो, थर्ड मंथ शुरू हो जाए, सो यू विल स्टार्ट गेटिंग द इंटरव्यू. सो वंस यू स्टार्ट गेटिंग द इंटरव्यू, यू आर नॉट लाइक सडनली क्रैक इट, आप अचानक से उसको क्रैक नहीं करोगे, दैट इज टू ऑल्सो अ जर्नी, वो भी एक जर्नी है. फिर आप इंटरव्यू देते देते सीखते हो, इट विल टेक 2 months, दैट्स वाई ये पूरी जर्नी किसी भी सॉफ्टवेयर की यू कैन डिवाइड इनटू 6-8 months, फिर पूरी जर्नी कंप्लीट हो जाती है. इट डजंट मैटर आपने खुद से किया है, किसी से गाइडेंस ली है, एंड आपकी जर्नी तब डिफिकल्ट होने लगती है जब आप उसको बीच बीच में छोड़ देते हो. मैंने जो 6-8 months बोला है ना, दैट इज फॉर अ कंटिन्यूस एफर्ट. अगर इसमें आपने 2-4 दिन का गैप किया, आई शेयर माई एक्सपीरियंस आशुतोष, कि मैंने एक इंटरव्यू दिया था, ओके, एंड वो इंटरव्यू लाइक वर्ल्ड की टॉप 2 कंपनी थी, तो मोटिवेशन लेवल अलग ही लेवल का था, और मेरा फर्स्ट इंटरव्यू, मैं स्पेशली गया था केरला में इंटरव्यू देने, एंड लाइक द कंपनी वाज लाइक 5-star hotel, नथिंग लेस देन दैट. सो देख के खुशी 7वें आसमान पे, एंड गया भी 7th-8th floor पे, सो और लाइक फ्लाइंग इन द स्काई. बट इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ फॉर श्योर, किसी रीजन की वजह से. उस वजह से मैंने लैपटॉप वापस घर आने के बाद 10 दिन बंद किया, एंड 10 दिन तक मैंने मतलब लैपटॉप खोला ही नहीं. सो दैट कैन हैपन, ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा स्ट्रेस हो जाओ या ऐसा कुछ, बट अगेन यू स्टार्ट, यू डोंट मेक अ गैप ऑफ 1 month, 2 month, 3 month, ऐसा गैप मत करो. सोचो कि आपने स्टार्ट किया, और ऐसा भी नहीं कि दूसरे सॉफ्टवेयर अब शुरू कर दो, इसमें नहीं होने वाला. देखो लाइफ में कोई चीज तुरंत नहीं होती, ओके, दैट टेक्स टाइम, हर चीज को टाइम लगता है, अच्छा होने में भी और बुरा होने में भी. आपका अगर बुरा भी होगा उसको भी टाइम लगेगा, दैट विल आल्सो नॉट हैपन सडनली, अच्छा होने में भी सिमिलरली टाइम लगेगा. सो गिव द टाइम एटलीस्ट 6-8 months मिनिमम टाइम. अगेन आप 3-4 months कंपेयर करोगे, सो दैट इज पॉसिबल फॉर फ्यू पीपल, नॉट फॉर एवरीवन. मैं जो 8 months बोल रहा हूँ दैट इज फॉर एवरीवन. उतना टाइम मिनिमम दो, एंड फिर सोचो कि ओके इफ दिस इज नॉट वर्किंग फॉर मी, लेट्स सी व्हाट आई कैन इम्प्रूव. और हमेशा पहले इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दो चेंज करने की जगह, कि मैं अगर हायर नहीं हो रहा आशुतोष तो इट मींस आपकी जगह कोई और हायर हो रहा है बीए पे, आप नहीं हो रहे तो. कंपनीज इज नॉट लाइक कि किसी दूसरे पर्सन को लेना है, आशुतोष ब्लॉक लिस्टेड है या ब्लैक लिस्टेड है, राइट, उनको तो टैलेंट चाहिए. सो वी नीड टू इम्प्रूव, इट कैन बी आइदर टेक्निकल, इट कैन बी आइदर कम्युनिकेशन, इट कैन बी आइदर बिहेवियर एज वेल, ओके. इन तीनों में से कुछ ना कुछ होगा, फिगर आउट, राइट द पॉइंट्स एंड टेक फीडबैक इन ईच एंड एवरी इंटरव्यू. दैट्स द बिग मैसेज एक्चुअली, ओके. सो मैं हमेशा कहता हूँ कि यू नेवर फेल एन इंटरव्यू, ओके, आइदर यू क्रैक, आइदर यू लर्न समथिंग, एंड द लर्निंग यू नीड टू इम्प्लीमेंट इन द नेक्स्ट इंटरव्यू. दैट्स ओनली थिंग व्हाट आई विल सी टू द व्यूअर्स. दैट्स परफेक्ट, बहुत ही बड़ी चीज बोली शुभम ने, दैट इज कि टेक द फीडबैक. ठीक है, जो फीडबैक जो आप सीखते हो एक इंटरव्यू से, वो इम्प्रूव करके नेक्स्ट में इम्प्लीमेंट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसी से आपकी लर्निंग बढ़ेगी और आप इंटरव्यू डेफिनेटली क्रैक करोगे इन फ्यूचर. ठीक है, सो इट वॉज रियली अमेजिंग. शुभम एक और चीज, अगर डेटा एनालिस्ट के लिए अप्लाई करना है तो जनरली कौन सी कंपनीज डेटा एनालिस्ट के लिए ज्यादा हायरिंग करती है, कुछ आप वो डिटेल शेयर कर पाओगे? बहुत सारी कंपनीज हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी एक्सपर्टीज क्लिनिकल में, तो मैं क्लिनिकल में कुछ बता देता हूँ. वैसे तो डेटा एनालिस्ट इज अ रोल कि ये सारी जगह है, ओके, सारी जगह यू विल फाइंड डेटा एनालिस्ट इन ईच एंड एवरी कंपनी. 10% ऑफ कंपनीज होंगी जिनमें ऑटोमेशन नहीं आया होगा शायद, तो डेटा एनालिसिस नहीं है. बाकी डेटा एनालिसिस 90% ऑफ कंपनीज दे आर यूजिंग द डेटा एनालिसिस थिंग. एंड कमिंग टू लाइक, जैसे कि अभी मैं क्लिनिकल में काम करता हूँ, ओके, बट आई एम ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट्स. सो मेरे स्टूडेंट्स लाइक दे आर इन HDFC, कोटेक, ICICI, in these banks, okay, and clinical research firms as well, LabCorp, IQVIA, and many other. And uske baad kafi jagah hai, automobile mein bhi use hota hai, and you can like find in Google, Amazon, Microsoft, big companies. Aapko data analyst har jagah, har ek company mein mil jayenge. But you need to make sure ki wo har ek company mein hai, isliye aap mat start kar dena. You make sure ki aapko comfortable lag raha hai. Get an guidance from a working professional. Unse poochho ki kya kya unka work life hota hai, kaise unka time nikalta hai. If you're finding compatible कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, okay, long term के लिए, then well good, मतलब आप आगे जाओ और करो. And data analysis में एक चीज अच्छी है आशुतोष, कि इसमें उतना intensive programming नहीं होता, one thing. Okay. So आपको एक benefit है कि जैसे full stack developer हो गया या web developer हो गया, उसमें बहुत intensive programming होती है, but data analysis में उतनी intensive programming नहीं होती है. So yeah, you can consider if you don't like much programming, okay, and programming होती भी है but इतनी नहीं, so you can consider in like ये चीजें कंसीडर कर सकते हो, ये रोल्स. एंड अगर आपको नहीं पसंद है तो यू कैन कंसीडर मेनी अदर सॉफ्टवेयर्स, लाइक वन ऑफ देम लाइक पोजीशंस, बीए,
और लाइक इन AWS इज अ सॉफ्टवेयर, ओके, उसमें उतना लाइक आपको क्लाउड के लिए हुआ है, उसमें प्रोग्राम की जरूरत नहीं है. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है, दैट्स करेक्ट. पैसे एंड उसकी इंडस्ट्री में कितनी नीड है उस हिसाब से मत चूज करना. आप अपने हिसाब से भी फिगर आउट करो कि क्या आपको सही लग रहा है थोड़ा लॉन्ग टाइम में. बट शॉर्ट टाइम में आप डिसीजन लेना चाहते हो तो सो गो फॉर द ग्रोथ. आई विल नॉट से कि ये मत करो ये मत करो. आप पहले आपकी जो सिचुएशन है मेक इट अंडर कंट्रोल, बिकॉज आई बिलीव 90% ऑफ यूअर्स आप अपने पेरेंट्स के अंदर नरिश हो रहे होगे, लाइक राइट. तो डिसीजन कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस हो जाता है उनका भी. यू नीड टू मेक श्योर, ओके, कि बेटा ये कर या वो हो जाता है, वो गलत नहीं है, वो सही है. बट नाउ यू नीड टू थिंक फॉर योर सेल्फ. अब आपको सोचना है. तो पहले एक स्टेबल जॉब कर लो, देन यू स्टार्ट फिगरिंग आउट. कि आपके पास जब स्टेबिलिटी होती है ना, शांत दिमाग से यू कैन फिगर आउट मेनी थिंग्स. बट ऑलरेडी परेशानी में हो, सो यू नॉट फिगर आउट द थिंग्स कि क्या मेरे लिए काम करेंगे क्या नहीं. दैट्स ट्रू, दैट्स रियली ट्रू शुभम. सो इट्स अमेजिंग, यू नो, जो आपने हमारे ऑडियंस को बताया है. होप कि सारे डेटा एनालिस्ट एस्पिरेंट्स को एक क्लैरिटी मिली है कि कैसे आपको स्टार्ट करना है, क्या क्या स्किल सेट नेसेसरी है. इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, यू कैन गो एंड विजिट शुभम चैनल. ही विल हेल्प यू गाइज. वो ऐसे वीडियोज डालते रहते हैं जो कि डेटा एनालिस्ट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो अ बिग थैंक यू टू शुभम. ओके, सो इसी के साथ हम लोग, ये जो हमारा सेशन था, हमारा हम लोग ने सोचा कि ये कोलैब करें. द रीजन इज बिकॉज जो डेटा एनालिस्ट एस्पिरेंट्स है, मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे डेटा एनालिस्ट कैसे बनना है. सो वी थॉट ऑफ ब्रिंगिंग शुभम टू आवर चैनल, हु इज अ डेटा एनालिस्ट एक्सपर्ट. ही कैन गाइड यू गाइस टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट. ठीक है, सो थैंक यू सो मच तो शुभम, लास्ट में, इट वाज अमेजिंग हैविंग यू. लास्ट में एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा गाइस. ये डेटा एनालिसिस या जो भी प्रोफाइल्स हैं, दैट इज वेरी मच इजी, ओके. शायद आपके 10th के एग्जाम से भी इजी है, ओके. बहुत ही ज्यादा इजी है. द डिलेमा, द प्रॉब्लम इज यू डोंट हैव द प्रॉपर नॉलेज एंड द प्रॉपर गाइडेंस, जिसकी वजह से हम भटकते 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 सीखते हैं या गिरते गिरते सीखते हैं. सो डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा नहीं है, इट्स वेरी इजी. एंड कमिंग टू एक चीज आशुतोष, मैं कॉमन चीज बताना चाहूंगा. एक कॉमन होता है कि फ्रेशर के लिए जॉब होना या नहीं होना. मैं सिर्फ एक पॉइंट कहूंगा कि देर इज नो लाइक यू कैन से कॉम्पिटिशन फॉर टॉप 30%, एंड बाकी 60-70% के लिए हमेशा कॉम्पिटिशन रहने वाला है. सो जब कोई चीज चूज करते हो ना, तो उसको डोंट डू इट फॉर डूइंग, गेट अ गुड नॉलेज, रीच टू द टॉप 30. जो करेक्ट, टॉप 30 है उसके अंदर रीच करो, आपके लिए कंपटीशन नहीं रहेगा, विल बी गेटिंग हायर्ड. एंड वैकेंसीज हमेशा फ्रेशर के लिए रहती है. ये क्वेश्चन एक मिथ है कि फ्रेशर के लिए वैकेंसी है कि नहीं इस रोल पे, क्योंकि आप पूछो आपके रिलेटिव में या कोई भी आसपास कोई भी जॉब करता हो जो 5th ईयर या 2nd ईयर से जॉब पे गया हो, दे स्टार्टेड फ्रॉम जीरो एज अ फ्रेशर. जो एचआर आपका इंटरव्यू ले रहा है वो भी, जो आपके मैनेजर है वो भी, एंड ईच एंड एवरी एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, नो वन रीच्ड इन द कंपनी फ्रॉम 2nd और 3rd ईयर, दे रीच एज अ फ्रेशर एज वेल. सो एक मिथ है. राइट, सबसे ज्यादा हायरिंग इनफेक्ट फ्रेशर की होती है. जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस लेवल बढ़ते जाता है, उसके बाद आपको जॉब ढूंढने में प्रॉब्लम होगा. बट एज अ फ्रेशर आपको जॉब ढूंढने के लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज मैक्सिमम हायरिंग उसकी ही होती है. दैट्स ओके. सो गाइस, एक लास्ट चीज मैं इंक्लूड करना चाहूंगा वीडियो में, इसको ध्यान से सुनना. कि देखो, ये फ्रेशर की वैकेंसी है कि नहीं, और हमेशा आप लिंक्डइन पे हर जगह 1-2 ईयर के बहुत ज्यादा वैकेंसीज देखोगे, 1-2-3, 1-2-3 के सबसे ज्यादा, एंड फ्रेशर के आपको शायद बहुत कम दिखेंगे. द रीजन मैं बताता हूँ. फ्रेशर कौन होता है? वो बंदा या वो बंदी जो इमीडिएट ज्वाइनिंग के लिए अवेलेबल है. एंड एक्सपीरियंस पर्सन कौन होता है? जो ऑलरेडी वर्किंग है. तो एक्सपीरियंस पर्सन कंपनी क्यों छोड़ेगा? आइदर अ गुड पे इन आईटी, आइदर अ बेटर वर्क लाइफ बैलेंस, आइदर अ रिलोकेशन और लोकेशन दैट इज नियर टू हिज होम. ओके, कुछ तो वो फ्लेक्सिबिलिटी देखेगा तब वो छोड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी ही इज वर्किंग. ओके, ही विल गो फॉर समथिंग बेटर. तो उसमें भी क्या होता है, आईटी कंपनी या किसी भी कंपनी में 1-2 या 3 मंथ्स का मिनिमम नोटिस पीरियड होता है. ओके, उससे पहले वो बंदा कहीं डिसाइड कर भी ले तो भी जबरदस्ती छोड़ के नहीं जा सकता. यू कैन गो इन सर्टन सिनेरियो, बट अगेन दैट इज अ लेजिट वे कि 1-2-3 मंथ्स का नोटिस पीरियड होता है. एंड फ्रेशर कौन है? जो अगर हायरिंग हो जाती है, तो अगर इंटरव्यूअर ने बोल दिया कि यू गॉट हायर्ड, तो परसों ही ज्वाइन कर लेगा. ओके, उस केस में क्या होता है कि फ्रेशर की जैसी वैकेंसी निकलती है, लोग अप्लाई करते हैं, ओके, बहुत सारी उनके पास रिज्यूम आ जाते हैं, दे क्लोज द पोस्ट. ओके, एंड फिर हायरिंग भी तुरंत हो जाती है, एंड तुरंत एवरीथिंग क्लोज, पोस्ट वोस्ट सब हटा देते हैं. एंड एक्सपीरियंस के केस में क्या होता है कि जस्ट बिकॉज कि वो बंदा हायर भी हो जाएगा, तो 1-2-3 मंथ्स तक, ओके, वो ज्वाइन नहीं करने वाला. सो कंपनीज कैन नॉट डिपेंड अपॉन द सिंगल, दे डोंट हायर अ सिंगल पर्सन फॉर द पर्टिकुलर पोजिशन, दे ऑलवेज हैव अ बैकअप, दे आर कंपनी, वो किसी एक के भरोसे नहीं छोड़ सकते, एंड दैट इज ट्रू एज वेल. तो वो वैकेंसीज, वो पोस्ट मार्केट में सर्कुलेट होती रहती हैं 3 मंथ्स के लिए मिनिमम, 2 मंथ्स के लिए, 1 मंथ के लिए. द रीजन इज दे कैनॉट क्लोज, ओके, बिकॉज द पर्सन कैनॉट ज्वाइन इमिडिएटली.
हर कंपनी का होता है, उन्हें भी पता है कि हमारी कंपनी में भी मिनिमम 1 month का नोटिस पीरियड है. ओके एंड वो बंदा जल्दी ज्वाइन भी नहीं करता आशुतोष, बिकॉज ही विल लुक फॉर द बेटरमेंट, राइट? ही इज नॉट सेड एनीथिंग, बट अ फ्रेशर वुड ज्वाइन सडनली, एंड दैट इज ट्रू एज वेल. ओके बिकॉज आपका भी एक्सपीरियंस चाहिए होता है. करेक्ट. सो दैट्स द एक्चुअल रीजन, एंड देयर कैन बी सम मोर रीजंस, बट दिस इज व्हाट आई फेल्ट फ्रॉम माय एंड. ओके, दैट्स एक्चुअली वैलिड रीजन. एंड अभी जो नोटिस पीरियड में कैसे लोग दूसरे काउंटर ऑफर्स वगैरह भी ढूंढते हैं, सो इट इज एक्चुअली नॉट वाइज फ्रॉम अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू कि वो एक ही बंदे के ऊपर डिपेंडेंट रहे. दैट्स अ ट्रू पॉइंट एज वेल. सो अगेन थैंक यू सो मच शुभम, इट वॉज ग्रेट हैविंग यू ऑन आर चैनल, एंड इट वॉज अमेजिंग जो आपने गाइडेंस दिया है टू द डेटा एनालिस्ट एस्पिरेंट्स फ्रॉम आर चैनल, दैट इज बी ए प्रोफेशनल. ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा सारी लोगों को. एंड अगेन अ रिकमेंडेशन फॉर ऑल ऑफ यू टू विजिट मिस्टर सीकर एंड वॉच हिज चैनल, बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट उनके चैनल पे आता है रिलेटेड टू डेटा एनालिस्ट. थैंक यू सो मच शुभम. सो अगेन लास्टली थैंक्स अ लॉट टू एवरीवन हु इज वाचिंग द वीडियोस एंड आशुतोष एज वेल टू ब्रिंगिंग ऑन हिज प्लेटफॉर्म. एंड ऐसे ही आगे बढ़ते रहो गाइस, एंड आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब लाइफ में जरूर कुछ ना कुछ बनने वाले हो, बिकॉज बहुत कम लोग होता है कि ऐसी चीजें सर्च करते हैं. एंड जस्ट बिकॉज यू आर कमिंग टू द चैनल ऑफ आशुतोष, इट मीन्स यू आर लुकिंग फॉर समथिंग. एंड द सेम वे इफ यू आर डूइंग फॉर 1, 2, or 3 months, श्योरली यू आर गोइंग टू बी समथिंग, एटलीस्ट नॉट अ बीए, नॉट अ डेटा एनालिस्ट, बट समथिंग यू विल बिकम वट एवर यू वॉन्ट फॉर श्योर, बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, एटलीस्ट यू स्टार्टेड योर फर्स्ट प्रोसेस. दैट्स करेक्ट. So, okay, अभी के लिए इतना ही. We'll definitely have, you know, Shubham again in our channel, possibly, अगर और ज्यादा queries आती है related to data analyst. So, तब तक के लिए, thank you so much and bye-bye. Thank you everyone. Bye-bye.